महानगर से अपने घरों से बेघर हुए लोग आज फिर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। हालांकि उनकी मुलाकात कलेक्टर से नहीं हो पाई, लेकिन उनके बदले में एसके चंदेल उनके मामले की समझा। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल एसडीएम को फोन पर निर्देश दिए कि जिस भी व्यक्ति ने इन लोगों के घरों से बेघर किया है और इनके घरों को तोड़फोड़ की है, उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए एवं कार्रवाई की जाए। अब देखने लायक होगा कि किस तरह से एसडीएम इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। आपको बता दें कि विकास नगर में पीछे की तरफ रहने वाले ये लोग दबंगों के शिकार हैं। कुछ दबंगों ने मिलकर इनके बने बना आशियानों पर जेसीबी चला दी, जिससे ये सभी लोग बेघर हो गए। सर्वे नंबर तो 54/2 मेन 54, इसमें कुल ये राम नारायण सिंह भोजा बगरा इत्यादि के मकान के रस्ते भी है। इसको थोड़ा चेक करवा लो और पहली चीज तो निर्माण का रुकवा, फिर उस सच्चाई देख लो सच्चाई क्या है। उनने तो साफ पुलिस में तलब पे ही वाले क्या। नहीं यार दोनों को रोकिए। नहीं सर्वे नंबर तो प्राइवेट है, 54/2 मेन 54। नहीं नहीं वो तो फिर सर उसके खिलाफ कार्रवाई करी है भाई यार, पुलिस उसके उठला बोल तो सर 135 का 133 का हाँ 145 वो तो करी दो, हाँ 145 तो करी दो। और इसमें मैं आपके पास भेज रहा हूँ, वो बुला करके करवाइए, बाउंड ओवर भी कराइए 116 में भी। समस्या ये है कि मैं बाउंड्री बनवा रही थी, मेरा प्लाट था पूरी बाउंड्री तोड़वा दी उन्होंने, मेरी लड़की के नाम और दामाद का नाम तोड़वा दिया। तो मैंने नहीं किया, पूरी बाउंड्री तोड़वा दी, किसी भी लगवा को मेरे मटेरियल चुरा ले गए, सब है पूरा सामान ले गए। चौकीदार रह रहा था उसमें धक्का दे दिया, वो अभी पलंग में पड़ा है, उसे लाने की बस। आप लोग कल भी कलेक्टेड बन गए थे, हम कल भी आपने बोल दी काम बंद करा देंगे, लेकिन अभी भी आप कोई जाकर देखे काम बंद नहीं हुआ। तो इधर आप कितने देर से बैठे हैं कलेक्टर? यहाँ पे हम 10 बजे से बैठे हैं, अभी तक आपसे मुलाकात नहीं, सुनवाई नहीं है कोई भी। बिल्कुल पूरा सामान और दीवार खुद ही बना रहा है, मकान मेरी जगह बन के खड़ा हो जाएगा, फिर कौन जिम्मेदार क्या करेंगे?